पूरे देश में मास्क, सैनिटाइजर से लेकर चिकित्सालय द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पीपीआई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्शन किट की कमी है, लेकिन इंदौर इस मामले में भी आगे रहा और अभी सबसे ज्यादा लगभग 4,000 किट रोजाना तैयार हो रही है। AKVN ने कई फैक्ट्रियों में किट का प्रोडक्शन शुरू करवा दिया है। ये किट स्थानीय डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ से लेकर महत्वपूर्ण ड्यूटी कर रहे पुलिस प्रशासन, निगम और अन्य लोगों को भी उपलब्ध कराई जा रही है। AKVN के MD कुमार पुरुषोत्तम ने बताया है कि प्रतिवर्ष इंडेक्स सहित कई कंपनियों में किट तैयार की जा रही है। जिन कंपनियों में रेडीमेड कपड़े व इस तरह का सामान बनता था, वहां पर यह पर्सनल प्रोटेक्शन किट तैयार की जा रही है। प्रतिवर्ष इंडेक्स में ही सबसे ज्यादा किट बन रही है। वहीं अन्य कुछ कंपनियों से भी जॉब वर्क कराया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कल रात भारतीय सरकार ने इस किट को सर्टिफिकेट भी दिया है, यानी मेडिकल क्षेत्र में यह किट पूरी तरीके से सुरक्षित और उपयोगी मानी गई है। किट के इस्तेमाल में लगने वाला कच्चा माल नासिक और राजकोट से मंगवाया गया है। 70 से अधिक कर्मचारी किट को सीलने और पैकिंग कराने के कार्य में जुटे हुए हैं। इंदौर सहित मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि अन्य राज्यों में भी किट उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा लगभग 125 उद्योग भी चालू कराए गए हैं, हालांकि उनमें अभी 50% ही उत्पादन हो रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल के अलावा स्टाफ की भी कमी है। 60 फार्मा कंपनियां व 30,000 आटा, दाल, तेल जैसे आवश्यक सामग्री बनाने वाली कंपनियों को भी शुरू करवाया गया है। अभी एक दिन पहले ही पोलो ग्राउंड स्थित इक्वा दवा फैक्ट्री को भी चालू करवाया गया, जहाँ पर कोरोना मरीज, संक्रमित लोग के लिए हाइड्रोडॉक्सी क्लोरीन दवाई का निर्माण किया जा रहा है। घमासान.com आपसे अपील करता है कि आप प्रशासन का सहयोग करें और अपने घर में रहें। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.